लोकतंत्र में मतभेद लाजिम है। शिवार का संकल्प है 4 लाख पार। आज 28 वर्ष पहले देखा है लोगों ने जंगल राज, वो दौर देखा है जिसमें कत्लेआम, नरसंहार, उग्रवाद, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, वसूली। मैं यहाँ से सांसद हुआ करता था, वही इसका गहना है, जेवर है। देखिए हमारे साथ आनंद मोहन है जो शिवहर से पूर्व सांसद भी रहे हैं, बात करेंगे शिवहर को लेकर के। आनंद मोहन जी, जहाँ भी हम गए हैं लोगों का ये भी कहना है कि शिवहर में अगर जो उस समय में पुल पुलिया भी बने हैं, रोड बने हैं, तो वो आनंद मोहन का देन है। इस बार आप नहीं, आपकी पत्नी यहाँ से लड़ रही हैं। क्या लग रहा है यहाँ के लोगों में, क्या उस समय में अभी में कुछ बदलाव है या लोगों का सिंपैथी अब और अधिक हो गया है? बदलाव तो दुनिया की नियति है जी। लेकिन आज 28 वर्ष पहले जी। मैं यहाँ से सांसद हुआ करता था, 16 वर्षों तक मैं जेल में था। बावजूद इसके हमारे किरदार को, हमारे कार्यकाल को शिवहर की जनता याद की हुई है, उसके जहन में हम जिंदा हैं, ये मेरी उपलब्धि, अचीवमेंट। अच्छा, अब एक चीज़ ये जानने को हम कर रहे हैं, जो लगातार लोगों के बीच जो आप जा रहे हैं इतने दिन बाद, आप मान लीजिए आप 16 साल खुद बोल रहे हैं जो हम जेल में रहे, 28 साल पहले यहाँ सांसद थे, तो लोगों में जो जा रहे हैं तो लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बेशुमार। अच्छा, जैसे कल एक सभा हुई थी रीगा में, तेजस्वी जी ने ये कहा जो क्या कहते हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? क्या जहां एनडीए में इतनी सारी बातें हैं और भाजपा को हटाने की बातें कर रहे हैं, क्या लोगों में मैसेज जाएगा इससे? क्या मैसेज जाएगा, ये बात ही गलत है। लोकतंत्र की मूल आत्मा के खिलाफ बात है। कोई कहे कांग्रेस मिटाओ, कोई कहे भाजपा भगाओ, ये हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मतभिन्नता, मतभेद, वही इसका गहना है, जेवर है। लोकतंत्र में मतभेद लाजिम है, मनभेद नहीं, कटुता नहीं, दुश्मनी नहीं। तो इस तरह की बातें बचकानी बातें, वाहियात बातें। आप कह रहे हैं जो लोकतंत्र में मतभेद नहीं, मतलब मनभेद जरूरी, हाँ जो जरूरी है, लेकिन मतलब देखिए ये मेरा सवाल नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ये जानना चाह रहे हैं जब चुनाव लोग मुद्दे पर लड़ते हैं तो मुद्दा से शिवहर की डेवलपमेंट के बजाय कोई अगर ये कहता है विरोधी की तरफ से जो अगर आप हमें नहीं चुनेंगे फिर से यहाँ पर बंदूक राज ही आ जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखा है लोगों ने जंगल राज, वो दौर देखा है जिसमें कत्लेआम, नरसंहार, उग्रवाद, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, वसूली, इसके अलावा कुछ तो उपलब्धि है नहीं। एक चरवाहा विद्यालय है, चरवाहा विद्यालय के बाद कोई उपलब्धि है? तो उनको तो वही याद आएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोगों ने हमारे कार्यकाल को देखा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, यही हमारी पूंजी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है, शिवहर में कितना लग रहा है, मार्जिन क्या होना चाहिए? आनंद मोहन जी, आप भी पूर्व सांसद हैं, पत्नी खड़ी हैं, तो लोगों से मिलने का मार्जिन क्या होना चाहिए? देश का नारा है 400 पार, शिवहर का संकल्प है 4 लाख पार। शिवहर का संकल्प है 4 लाख पार, बहुत ही व्यस्तम समय है क्योंकि तमाम जगह जाना भी इनको, हम इनसे बात कर रहे थे इनका, अब क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में राय जरूर रखिए। सोगी सोनू के साथ अंशु झा, IBTV शिवहर। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।